नगर परिषद कालका के वार्ड नंबर 3 स्थित हंडिया मोहल्ला में बैठक के दौरान समाज सेवी सितार चंद वाल्मीकि ने नगर परिषद चेयरमैन पद के आजाद उम्मीदवार पवन कुमारी शर्मा को अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर समाज सेवी सितार चंद वाल्मीकि ने बताया कि गत दिनों उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, परंतु पार्टी की नीतियों को देखते हुए उन्होंने पार्टी को छोड़ दोबारा से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पवन कुमारी शर्मा के नेतृत्व में घर वापसी की है। उन्होंने बताया कि वे शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बनकर पार्टी की नीतियों के अनुसार काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं इस दौरान वार्ड नंबर 3 से आजाद उम्मीदवार आंचल टांग सुपुत्री सितारचंद वाल्मीकि ने लोगों से अपील की कि उनके चुनाव चिन्ह सीढ़ी का बटन दबाकर उन्हें आने वाले नगर परिषद चुनावों में सफल बनाएं। सितारचंद वाल्मीकि ने बताया कि वह अपने समर्थकों सहित पवन कुमारी शर्मा को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। इस मौके पर वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी आंचल टांग व सितारचंद वाल्मीकि ने सभी अपने वार्ड वासियों से अपील की कि आने वाली 19 जून को नगर परिषद चेयरमैन पद के आजाद उम्मीदवार पवन कुमारी शर्मा के चुनाव चिन्ह डमरू का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि पवन कुमारी शर्मा द्वारा हमेशा ही बढ़ चढ़कर समाज सेवा के कार्य किए गए हैं और चेयरमैन पद पर जीत हासिल करने के बाद वह नगर परिषद पिंजौर कालका को एक नई विकास की गति देंगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह लोगों के हर प्रकार के कार्य करवाने के लिए तत्पर रहेंगी। वहीं पवन कुमारी शर्मा ने सितारचंद वाल्मीकि द्वारा उन्हें समर्थन दिए जाने को लेकर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शरणजीत ग्रोवर, विशाल कुमार, आदेश कुमार, सावन चंचल, आशा देवी, सुदेश देवी, रवीना, कीर्ति सहित दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। मैं आंचल टांग, नमस्कार। मैं सबसे यह विनती करती हूं कि आने वाले 19 तारीख को पवन कुमारी चेयरमैन पद के लिए डमरू का बटन दबाकर उनको विजय बनाए एंड नगर परिषद कालका के MC पद के लिए CD का बटन दबाकर आंचल टांग को विजय बनाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, पवन कुमारी हमारे अपने हैं और वैसे भी हमारी घर वापसी भी होना भी बेहतर जरूरी है। उन्होंने कुछ पल के लिए हमें भगा के या आम आदमी पार्टी में हमें शामिल किया, लेकिन हमें नहीं पसंद आने के कारण हम अपनी उन्हीं के साथ और डमरू के साथ हम वापसी आ गए। ऐसे ये दूंगा जी, जो 19 तारीख आ रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा बंदे हमारे मतलब डमरू के साथ पहले सबसे पहले बटन डमरू का दबाए और कोड़ी का बटन दबा के हमें विजय बनाए। आने वाली 19 तारीख को पवन कुमारी जी को डमरू का बटन दबा के और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से विजय बनाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई सितारचंद जी घर वापसी आ गए हैं और इससे मुझे और मेरे बाजुओं में और दम मिला है और इनका वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा उच्च स्थान है और आशा करती हूँ कि आगे भी इनका और अधिक उच्च स्थान रहेगा और मेरे साथ ही ये सपोर्ट में खड़े हुए हैं तो मुझे इनका काफी सारा मुझे इनका सहयोग देना है और इनको मुझे सहयोग देना है। और